नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और 8810059006 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूपी कांस्टेबल वीडियो आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। देखिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए और शेयर कर सकें तो शेयर कर दिया करें ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें, क्योंकि ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए और आपकी आवाज़ बन करके अधिकारियों के सम्मुख आपकी समस्याओं को उजागर करने में, उन तक पहुँचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। सबसे प्रथम चीज ये है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पे नए नए विजिट करते हैं वो अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर किया करें ताकि और भी लोग मतलब इसके साथ जुड़ सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में विचार हो रहा है, उन परिस्थितियों में आपको दो तीन बड़े एग्जाम, कम से कम तीन बड़े एग्जाम वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप उन एग्जाम के लिए कितने तैयार हो, क्या सफलता प्राप्त करने के लायक आप बन चुके हो, अपने अंतरात्मा से आप पूछिएगा, उसका बेहतरीन जवाब सिर्फ वही दे सकती है। देखिए, सुपर टेट जो है, हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि सुपर टेट आदि को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर पहले हम एलटी की तैयारी करें कि सुपर टेट की करें। आपको मैं एक चीज आज बता देना चाहता हूं कि एलटी जीआईसी और आपका सुपर टेट और साथ में टीजीटी पीजीटी, ये तीनों चारों एग्जाम जो हैं वो आपको एक महीने के भीतर ही देखने के लिए मिलेंगे, मतलब दो चार दिन आगे पीछे करके। अब किस चीज की तैयारी आप करें, किस चीज की तैयारी आप ना करें, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अवसर सभी समान होते हैं, अवसर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कि पता लगे कि 74,000 पद पीआरटी में है तो आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ और फिर उसका एग्जाम देने के बाद दो चार दिन पांच दिन बचा रहे फिर आप एलटी में लग जाओ, तो ऐसे में क्या होता है कि पता लगे आप एलटी भी पढ़ रहे हो, सुपर टेट भी पढ़ रहे हो, टीजीटी पीजीटी भी पढ़ रहे हो, सारी चीजें आप जो मतलब धीरे धीरे करके पढ़ रहे हो, तो आपकी कोई भी तैयारी, चाहे वो मतलब आपका सुपर टेट का हो, चाहे एलटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, कोई भी तैयारी पर्टिकुलर आप कर नहीं पाओगे। उसके लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक प्लान की जरूरत है और वो स्ट्रेटजी वो प्लान आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर के तौर पर उपलब्ध हो पाए, इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको इस बात को बताने के लिए हमेशा से ही सरोकार करता रहा है। और हम आपको यह बता सकते हैं कि कम समय में किस तरीके से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपने मीडिया आदि में, प्रिंट मीडिया में, इन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। बहुत सारे भर्ती से रिलेटेड आपको समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला होगा, न्यूज चैनलों में भी आपको सुनने के लिए मिला होगा और यूट्यूब पे तो इस समय जैसे बहार सी आ गई है। आप इन सारी चीजों को ये चीज देख करके महसूस कर सकते हैं कि जब नकारात्मकता का भाव था तो यही सारे लोग थे जो कि मतलब ये बताते थे कि कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है और कोई वैकेंसी होगी नहीं, है ना। लेकिन अब जब हमारे द्वारा सार्थक किए गए प्रयत्नों के माध्यम से जब वो चीजें पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी आसान्वित हो गए हैं कि सर हम किस चीज की तैयारी करें। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर पढ़ सकते हैं तो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और सुपर टेट, इन सब की तैयारी करिए। बेहतरीन स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, आप उसे प्राप्त कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप वही पढ़िए, बहुत है, पर्याप्त है। आपका टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है, वह विज्ञापन जो है मार्च का लास्ट वीक ये चल रहा है। आपका जो आवेदन होगा वो अप्रैल माह में होगा, और जो पेपर है वो जून लास्ट तक जो है वो प्रस्तावित है। पद कितने होंगे टीजीटी पीजीटी में, इस बात को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं। मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि पद आपको कम से कम 23,000 देखने के लिए मिलेंगे, कम से कम 23,000, ठीक है ना। और यह भी भर्ती आपकी 5-6 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी। वैसे ही वनडे फॉर्मेट रहेगा पीजीटी में, और प्रवक्ता में आप जैसे ही जानते हैं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, ठीक है ना। और कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होने चल रहा है, कोई ना तो टेट लागू होगा ना कुछ भी। यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो आपका टीजीटी पीजीटी कराता है, ये अंतिम परीक्षा ही कराएगा। इसके बाद ये शिक्षक सेवा चयन आयोग के रूप में गठित हो जाएगा, जिसमें आपके जो है मतलब नई शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए नियम कानून बनाए जाएंगे और भर्तियों का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। अर्थात जो एलटी ग्रेड आ रही है, जो टीजीटी पीजीटी आ रही है, जो जीआईसी प्रवक्ता आ रही है, जो आपका सुपर टेट आ रहा है, ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। विज्ञापन आज की प्रक्रिया 26 मार्च से स्टार्ट होने चल रही है। आप इन सारे मुद्दों को लेकर के अपने मन को, मस्तिष्क को और मनोभावों को एकत्रित करिए और पॉजिटिव वे में होकर के अपनी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करना शुरू करिए। अंतिम रूप क्या, यदि अभी आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो तो अंतिम रूप देने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग तन्मयता के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि यह अवसर अंतिम होने चल रहा है और इस अवसर के बाद जो है आपको कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। और एक बात, मेरे लिए सोशल मीडिया पे क्या चीजें लिखी जा रही हैं, क्या चीजें बोली जा रही हैं, क्या हो रहा है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम फेमस होंगे, जब हमारे नाम की चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है चार आलोचक भी होंगे, और ये वही आलोचक होते हैं जिनसे मेरा कोई सरोकार नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे स्टडी मटेरियल आज प्राप्त किया, वो सभी विद्यार्थी, सभी भाई बहन बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको सुपर टेट का, टीजीटी का, एलटी का, जीआईसी का ऐसा मैटर उपलब्ध कराया गया है, वो विद्यार्थी बेहद संतुष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एलटी ग्रेड को लेकर के जो अभी आपको एक निगेटिव चीजें देखने के लिए मिल रही है कि एक दो महीने बाद इसका विज्ञापन आएगा, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग से जारी होने वाली अगली वैकेंसी आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ही है। मतलब जो नया विज्ञापन आएगा लोक सेवा आयोग से, उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो अप्रैल माह में आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा मौका। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, उसमें भी कोई सवाल या संकोच नहीं है। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन सूची आदि को लेकर के, तो ये भी मामला बहुत जल्दी ही सेट आउट हो रहा है, और आपको जो है 25 मार्च के बाद ये सारी परिस्थितियां जो है आपके फेवर में आती हुई दिखेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप लोग यदि अभी आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो जुड़ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। यह चैनल आपको मुफ्त में जो है जीएस की क्लासेस और हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको टिप्स बताई जाएंगी, क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी 15-18 विषय होते हैं, सभी विषयों की आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, और इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो स्टडी मटेरियल, जो नोट्स आदि हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के, यूपी टेट के रिजल्ट को शासन ने मंजूरी दे दी है। बीएड वाला जो मुद्दा था वो भी सेट आउट हो चुका है लगभग, और अब एक फॉर्मेलिटी केवल बाकी है, ठीक है ना। तो सारी चीजें डिक्लेयर हो गई, शासन की टेट को के रिजल्ट को निकालने के लेकर के मंजूरी भी मिल चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आने चल रहा है। उसके बाद आपको सुपर टेट का 1,74,000 पदों का विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ना तो 51,000, ना तो 17,000, ना तो 61,000,
बल्कि 74,000 पदों पर विज्ञापन होगा। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। पूरा प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। 6800 की जो लिस्ट को लेकर के हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है, जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 6800 की वो लिस्ट वो जो है निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है, उसको नए पदों में सृजित करके नया विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। और जो भी चीजें हैं जिला आवंटन सूची एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, वो भी आपको 25 मार्च के बाद देखने के लिए मिलेगी, उसमें भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी वीडियो की नई वैकेंसी, यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी भी पर्याप्त तौर पे आ रही है। एमटीएस एसएससी का भी विज्ञापन जो है आपको देखने के लिए मिलने वाला है, आजकल में उसका भी विज्ञापन आ जाएगा। एसएससी और रेलवे भी काफी सारी वैकेंसियां निकालने चल रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ में, हम आपको बेहतरीन तैयारी करा करके एक सीट आपको प्राप्त करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। 97-41-13-85-88-108-59-006 ये मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पर जुड़ करके स्टडी मटेरियल प्राप्त करिए और सटीक सार्थक सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं प्रदान करने के लिए हमारा चैनल जाना जाता है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी सूचनाएं आप लोगों को दी और जो भी मेरिट आदि आपको बताए वो एकदम एक्यूरेट टू एक्यूरेट बैठे हैं। और हमारा चैनल हमेशा से ही पॉजिटिव बातें करता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं निगेटिव बातों में सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, हमारे भाई बहनों का नुकसान ही होता है, एक मानसिक प्रताड़ना होती है उनको। और जो विद्यार्थी हमारे याची बने हैं 2016-2021 टीजीटी आदि में, उनका भी कल्याण होने वाला है, बहुत जल्दी ही फाइनल डिसीजन जो है उनके फेवर में आने चल रहा है। अभी भी जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे याचिका से जुड़ सकते हैं। यह अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है, इस अवसर का अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और नहीं उठाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।